रायगढ़ रेलवे स्टेशन में 4 जुलाई तक नहीं चलेगी ऑटो, एसपी ने जारी किया आदेश। दरअसल बीते शनिवार को एक ऑटो चालक में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इसका असर दूसरे ऑटो चालकों पर भी पड़ा है। इस बात को देखते हुए एसपी ने शहर में 28 जून से आगामी शनिवार 4 जुलाई तक के लिए ऑटो रिक्शा को प्रतिबंधित कर दिया है। एसपी संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर रायगढ़ रेलवे स्टेशन ऑटो में लगा ब्रेक। मिली जानकारी के अनुसार बीते शनिवार एक ऑटो चालक में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इसका असर दूसरे ऑटो चालकों पर भी पड़ा है। शहर में 28 जून से आगामी शनिवार 4 जुलाई तक के लिए ऑटो रिक्शा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं इस दौरान ऑटो चलाते पाए जाने पर ऑटो जब्ती की कार्यवाही करने का फरमान प्रशासन ने जारी किया है। इसके लिए बकायदा पुलिस पेट्रोलिंग टीम लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट भी चौक चौराहों से लेकर मुख्य मार्ग में कर रही है। रायगढ़ सीएसपी अविनाश ठाकुर ने बताया कि शनिवार रात्रि एक ऑटो चालक में कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसके बाद रायगढ़ रेलवे स्टेशन ऑटो स्टैंड पर जितने भी ऑटो चालक खड़े रहते हैं उन सबका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। आज सीएसपी अविनाश ठाकुर ने कोरोना संक्रमित ऑटो चालक किससे संपर्क किया उसकी जानकारी खंगाली जारी है। इसी बात को लेकर रेलवे स्टेशन ऑटो चालक से मुलाकात और उन्हें समझाइश दी। एक हफ्ते तक घर में रहें, ऑटो ना चलाएं। जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाला ऑटो के साथ मिला है उनका सैंपल लिया जाएगा। 3 दिन तक स्वयं को केयर में रखने को कहा गया है। ऐसे में ऑटो चालकों को बेहद एहतियात रखने का जरूरत है। कल 9:30 बजे करीब ट्रैफिक ऑफिस से मेरे पास फोन आया, बोला कि विजय भाई रेलवे स्टेशन में जितना भी आप लोग का ऑटो चल रहा है सिटी अंदर और जिंदल किरोड़ी माल में, वो सबको रेलवे स्टेशन बुलाओ, डीएसपी सर आ रहा है, एसपी सर का आदेश है। और डीएसपी सर बोला है कि एक हफ्ता तक नहीं चलाना है ऑटो वाले को, सबको बोला समझाइश दिया गया है। एक ऑटो वाले में शायद कोरोना पेशेंट बैठ के गया है और वो उस बीमारी अब सब ऑटो वाले में फैल रहा है, तो प्रशासन जो आदेश दिया है उसका तो पालन करना ही पड़ेगा और हम लोग भी पालन कर रहे हैं ऑटो वाले सब। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी एक ऑटो चालक जो जुटपी के सोनू मंडल इलाके का था उसके पॉजिटिव आने के पश्चात चूंकि वो लगातार रेलवे स्टेशन में उसका सैंपलिंग नहीं हुआ था, वो घूम रहा था, इसलिए ऐसी परिस्थिति को देखते हुए आगामी शनिवार तक के लिए ऑटो के पूर्णतः परिचालन को बंद किया गया है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो उसके संपर्क में होंगे उनके सैंपलिंग भी कराया जा रहा है और हमारा ये प्रयास है कि ऑटो भी बंद रहे ताकि सवारी जो उनके साथ चल रहे हैं वो किसी प्रकार से संक्रमित ना हो और उनको हमें ट्रेस करने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए एसपी साहब ने आगामी शनिवार तक ले ऑटो के परिचालन को पूर्णतः रायगढ़ में बंद किया हुआ। सर रायगढ़ अभी ग्राफ बढ़ते जा रहा है, ऐसे में आम नागरिक बेपरवाह हो गए हैं, क्या कुछ बोलेंगे, सावधानी बरतो, कितना सजग है? अभी तो अतिरिक्त सतर्कता का समय है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार एक एक दिन में 10-10 से 12 केसेस आ रहे हैं और अभी भी लगातार जो सैंपल हुए हैं उनका भी रिपोर्ट आना बाकी है। मैं यही चाहता हूं कि रायगढ़ की जनता से कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बेवजह घर से बिल्कुल ना निकलें, मास्क का अनिवार्यता यूज़ करें और साथ ही साथ सैनिटाइज करें। और परिस्थितियाँ तो ऐसी बन रही है कि हो सकता है कि अगर ये स्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं आती तो जिला प्रशासन की ओर से शहर में पूर्णतः लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24। रायगढ़ में जिला प्रशासन फ्रेंड्स कॉलोनी के रहने वाले उद्योगपति परिवार के